क्या समझते हैं उन्होंने डेवलप कर लिया, हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, ये सवाल है निशान। वो इस टाइम उनकी रेस इकोनॉमिक है और हम लोग ना दूसरी पावर्स में फंसे हैं, दूसरी चीज़ों में। मेरे के अंदर पब्लिक के साथ बात करके, आप जैसे नॉर्मल एक स्टूडेंट या लड़का या डॉक्टर था एक, जिसने मुझे पूरा जम्मू एंड कश्मीर विजिट करवाया, वीडियो के अंदर कवर किया हुआ मैंने, कहना चाहते जाना चाहिए उन्हें इंडिया या नहीं? उसको अगर वो इंडिया चला जाए, उसके वहाँ पर अपनी फैक्ट्रियाँ हैं, उसके वहाँ पर अपना पैसा पड़ा हुआ है शहबाज शरीफ का, वो वहाँ पर अपना पैसे निकालने की कोशिश पे है। अब देखेंगे पुलिस और आवाम के दरमियान जंग चल रही है, आवाम और फौज के दरमियान भी जंग चल रही है, इसको आप कैसे देखते हैं, इसके बारे में आप बात कर सकते हैं? ये नहीं कर सकते, इसके कदर करनी है उनको, तो ये ही नहीं पता, वो तो एक बछड़े के पीछे मुसलमान को मार देते हैं, मतलब कि अमन हो ही नहीं सकता। अब फॉर एग्जांपल कि मैं आपको मिसाल देता हूँ, आपने कहा कि एक बछड़े काटने पर वहाँ पर लाशें बिछा देते हैं, यहाँ पर आपके सामने कोई हिंदू हमारे नज़दीक सुअर का गोश जिसका नाम ही नहीं लेना चाहिए, अगर कोई उसकी कुर्बानी करे तो आप उसे क्या कहेंगे? पॉजिटिव स्टेप की ज़रूरत किसको है, इंडिया को या पाकिस्तान को है ज़्यादा अशद ज़रूरत? आई थिंक दोनों कंट्रीज़ को, क्योंकि दोनों कंट्रीज पाकिस्तान को ज़्यादा है, बिकॉज पाकिस्तान को ट्रेड करनी चाहिए इंडिया से ना, उनको बहाल करनी चाहिए अपनी ट्रेड। यहाँ पर हम अपनी जिद को लेकर बैठे हुए हैं कि भाई नहीं 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 आपने करना नहीं है, तो इसका साइड इफेक्ट इसका नुकसान किसको है? अगर आप देखेंगे तो दुनिया इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने में इंटरेस्टेड है, और दुनिया बताती है कि भाई इंडिया हमारा भाई है, इंडिया हमारा भाई है, और हम अपने ही ओरिजिन से दूर भाग रहे हैं। क्या समझते हैं आपके इंडिया के साथ रिलेशन अगर बेटर हो जाते हैं आज, तो पाकिस्तान के लिए कितने बेनिफिट्स हो सकते हैं? बिजनेस के स्टूडेंट हैं तो इस पर रिलेटेड थोड़ा बताइएगा। आई थिंक हमारा एक ही इशू है उनसे कश्मीर का, अगर तो वो रिजॉल्व हो जाता है तो जिस पे इंडिया का स्टैंड है, पाकिस्तान का भी एक स्टैंड है कश्मीर, लेकिन अच्छा होगा कि ट्रेड बहाल हो जाएगी तो पाकिस्तान का ज़्यादा फ़ायदा होगा। जैसे समझते हैं आपके, अगर हम बात करें कश्मीर के रिलेटेड, तो क्या कश्मीर को हम इस सिचुएशन के अंदर जो पाकिस्तान के मौजूदा सिनेरियो चल रहे हैं, हम कश्मीरियों को ये कहते हैं कि भाई अब सब कुछ छोड़कर हमारे पास आओ, क्या वो इंडिया की ऐशो अशरत छोड़कर हमारे पास आएंगे? नहीं, आई थिंक वो इंडिपेंडेंट कश्मीर चाहते हैं, वो ना पाकिस्तान में चाहते हैं ना इंडिया में चाहते हैं। आप एक सर्वे कीजिएगा, आप स्टूडेंट हैं, आपके पास मोबाइल होगा, नेट होगा, आप कोशिश कीजिएगा कांटेक्ट करने की बारे में, जो कि इंडिया के जम्मू कश्मीर है, वहाँ पर पब्लिक के साथ थोड़ा इंटरेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा, मेरे बताने की ज़रूरत नहीं है, जब आप उनसे बातचीत करेंगे आपको पता चल जाएगा कि वो क्या चाहते हैं। दूसरे नंबर पर बात यह है, 75 साल हो गए हमें आज़ाद हुए, 75 सालों से हम कश्मीर के मसले को लेकर यूएन में जा रहे हैं, कभी किधर जा रहे हैं, अगर सोल होना होता तो ये काफ़ी टाइम पहले हुआ नहीं होता, हमसे बड़े बड़े लोग गुजरे, कायदे आजम जैसी हस्तियां गुजरी हैं जिन्होंने हमें पाकिस्तान बनाकर दिया, गांधी जैसे लोग गुजरे हैं जिन्होंने इंडिया भारत बनाया, जिसका रकबा ही आप हिसाब लगाएंगे तो हिसाब भी नहीं लगा पाएंगे, वो सोल्व नहीं कर सके, तो क्या हम आने वाले नस्लें, ये जो उनसे अभी हमारे जो सिनेरियो चल रहे हैं, शहबाज शरीफ, इमरान खान, सोल्व कर पाएंगे? आई थिंक इंडिया था वो कश्मीर का इशू लेके गया था यूएन में ना, रेजोल्यूशंस, जो यूएन के रेजोल्यूशंस उस पर इंडिया अमल नहीं कर रहा, उसमें पाकिस्तान का कसूर नहीं है। आपको पता है रेजोल्यूशंस कौन कौन से? हाँ, कि इंडिपेंडेंट कश्मीरीज को उनके राइट्स दिए जाएं, जिससे हमारे पास आप राइट्स इंटरव्यू ले रहे हो, उनके पास ये नहीं है, वो कर्फ्यू सिचुएशन में है। कर्फ्यू सिचुएशन है, मेरी अभी बातचीत होती है, मैंने एक बंदे से, मैं इसीलिए तो मैंने ये सेशन शुरू किया था, माय फर्स्ट विजिट ऑफ इंडिया, आप ज़रा विजिट कीजिएगा मेरे चैनल के ऊपर, आप ज़रा राउंड लगाइएगा, आपको पता चलेगा मैं जम्मू एंड कश्मीर के अंदर पब्लिक के साथ बात करके, आप जैसे नॉर्मल एक स्टूडेंट या लड़का या डॉक्टर था एक, जिसने मुझे पूरा जम्मू एंड कश्मीर विजिट करवाया, वीडियो के अंदर कवर किया हुआ मैंने, आप ज़रा उसको भी विजिट कीजिएगा, जो कि कर्फ्यू कहा जाता है और जो कर्फ्यू हमें बताया जाता है कि इतना जुल्म और ज़्यादती है, भाई वहाँ पर बहुत आज़ादी है, वहाँ पर लोग कुर्बानी कर रहे हैं, ईद फेस्टिवल मना रहे हैं, ले क्या समझते हो? वो चीज़ है जो हमें मीडिया दिखाता है ना, अब जो मीडिया दिखाएगा हमें तो वही पता होगा, हमें इंटरनल उनके तो नहीं ना पता वो कैसे रह रहे हैं। बिल्कुल सही, पॉजिटिव, मैं समझता हूँ कि पॉजिटिविटी से आप दुनिया को चेंज कर सकते हैं, अगर नेगेटिविटी आप अपने आप को तबाह कर रहे हैं, अगर पाकिस्तान आज डेवलप नहीं है, आप देखते हैं कि पाकिस्तान की तरफ, अगर इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया का महाराष्ट्र सिर्फ एक ऐसा स्टेट है जिसकी पूरे महाराष्ट्र की जीडीपी पाकिस्तान की जीडीपी से ज़्यादा, क्या समझते हैं उन्होंने डेवलप कर लिया, हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, ये सवाल है निशान। वो इस टाइम उनकी रेस इकोनॉमिक है और हम लोग ना दूसरी पावर्स में फंसे हैं, दूसरी चीज़ों में, बेसिकली वो इकोनॉमिकल पावर बन रहे हैं इंडिया ना, वो G7 का पार्ट है, इस वजह से जी G7 का पार्ट और है, वो किसी और लीग में जा रहे हैं। अगर काफी आगे, आप स्टूडेंट हैं, अगर आपको कहा जाए कि स्टडी के बारे में, एजुकेशन के कंपैरिजन करें, आप लिटरेसी रेट पाकिस्तान का देखें और यहाँ पर इंडिया का उठा लें, हमारी तो इतनी क्या कहते हैं वो, इतनी एक्सपोर्ट्स नहीं जिनकी, सिर्फ उनकी IT की एक्सपोर्ट्स हैं, कहीं ना कहीं एक ओरिजिन से हैं, एक ही रीजन हमारा, हमें कनेक्ट करने की ज़रूरत है, हम अगर पीछे हैं उनसे, हमें तो बराबरी करनी चाहिए, पहले थे बराबर भी,
अगर हम आज हम पीछे रह गए हैं तो ये इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए या फिर डर जाना चाहिए, नहीं 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 भाई हम तो बहुत आगे, हम शेर हैं करना चाहिए, क्या करना चाहिए? सच को एक्सेप्ट करना चाहिए या सच से आके चुरा लेना चाहिए? आई थिंक एक्सेप्ट करना चाहिए। अब तो सबको सब पता चल चुका है कि इंडिया वो इकोनॉमिक पावर है बेसिकली, तो वो चाइना से भी ट्रेड कर रहे हैं, हालांकि उनका उनके साथ 62 की वॉर है, वो डिफ्यूजन चल रहा है उनके साथ। गाइस देखिए कितनी बड़ी बात कर दी इन्होंने, कहा कि एग्जांपल लें चाइना और इंडिया के दरमियान भी वॉर चल रही है, जंग चल रही है, फिर भी ट्रेड कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर कुछ भी हो जाए, हालात हमारे जब ख़राब होते हैं तो हम टमाटर तो फ़ौरन से मंगवा लेते हैं एमरजेंसी ट्रेड करवा के, लेकिन जब हालात सही हो जाते हैं तो ट्रेड ही बंद करवा देते हैं। क्या समझते हैं, पॉलिटिकल स्टंट है या फिर आवाम नहीं चाहती आपस में मोहब्बत करना, क्या क्या सीनेरियो? थोड़ा इधर आके सामने देखिए। थिंक उनके लोग भी वॉर नहीं चाहते, हम लोग भी वॉर नहीं चाहते, तो बेसिकली ट्रेड ओपन करें, मे बी पॉजिटिव पाकिस्तान पहला स्टेप ले तो बेटर हो। जबरदस्त हो गया, थैंक यू ब्रो, थैंक यू सो मच। नाइस टू टॉक विद यू। कैसे हैं आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। नाम आपका? वसीम। क्या करते हैं आप? मैं सिलाई। सिलाई का काम करते हैं। सर अभी हमारे शहबाज शरीफ साहब की तरफ से एक बयान जारी हुआ, इंडिया के अंदर एक मीटिंग समिट होने जा रही है, तो हमारे शहबाज शरीफ साहब अभी इंडिया जा रहे हैं, क्या समझते हैं उन्हें जाना चाहिए या नहीं? जाना चाहिए बिल्कुल। जो मामला है सबसे पहले तो हमारे जो मुसलमान कश्मीरी भाई हैं उनका मौका पेश करें, जो उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, उसके ऊपर जाके बात करें कि भाई मियां उनके जान छोड़ो, 75 साल हो गए हैं, कोई भी नहीं बोल रहा उन पर। अब तमाम मुसलमान इकट्ठे नहीं होंगे तब तक नहीं हो सकता। मतलब शहबाज शरीफ साहब अभी अमन का पैगाम लेकर जा रहे हैं पड़ोसी मुल्क, तो किसान अमन हो सकता है? नहीं, अमन कहते किसे हैं? पहले चीज़ तो ये है, अमन तब होता है कि जब दुश्मन को भी पता होगा यार ये इंसान है, हमने इंसान की कदर करनी है। उनको तो ये ही नहीं पता, वो तो एक बछड़े के पीछे मुसलमान को मार देते हैं। मतलब कि अमन हो ही नहीं सकता? हो ही नहीं सकता, ये अल्लाह है। वहाँ पर हमसे ज़्यादा मुसलमान रह रहे हैं इंडिया में, भारत में? हमें पता है भाई, हमसे ज़्यादा अरब के हिसाब से मुसलमान है वहाँ। मेन चीज़ ये है कि उनके जो गवर्नमेंट है, जैसे हमारे यहाँ पे है जिसकी लाठी उसकी भैंस, वहाँ पर भी ऐसी ही है। सही। ये नहीं सही हो सकता, बिल्कुल सही नहीं हो सकता। आपको क्या लगता है खान साहब, आप बताए दें, शहबाज शरीफ साहब जा रहे हैं इंडिया सुलह करने के लिए, वो कहते हैं कि इंडिया के साथ अपने तल्लुकात को बेहतर करने के लिए, हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, हमारे बड़े हैं, क्या कहना चाहते हैं, जाना चाहिए उन्हें इंडिया या नहीं? उसको अगर वो इंडिया चला जाए, उसके वहाँ पर अपनी फैक्ट्री है, उसके वहाँ पर अपना पैसा पड़ा हुआ है शहबाज शरीफ का, वो वहाँ पर अपना पैसे निकालने की कोशिश पे है। अच्छा। हाँ जी, शहबाज अपने पैसे के दिन तो जा रहा है, उनके फैक्ट्रियाँ लगे हुए हैं सब, उनके पास उधर पैसे नहीं जा रहा है। अब सरदारी गया, दुबई गया था, नवाज शरीफ दुबई आ गया, उधर डील हो गया भाई, उधर पैसा किसी के वहाँ से पैसे निकलवा लो, वहाँ से रबता शुरू करो। खान साहब तो वैसे सेट भी हो गया, उनको फारग कर दिया, अभी बीच में सारा मुल्क आए जाएंगे। क्या लगता है आपको कि हमारे पड़ोसी के साथ हमारे रिलेशन, हमारे जो रिश्ते हैं, ये दुश्मनी बोलकर एक हो जाना चाहिए या नहीं? एक हो जाना चाहिए, वैसे उधर भी काफ़ी मुसलमान कंट्री है, अब उधर मुसलमान के साथ बहुत ज्यादा हो रहा है मुसलमानों के साथ। अब मैं शहबाज शरीफ चला जाए वहाँ पर, कोई अमन का पैगाम आ जाए, क्योंकि आप रबता माशले कारोबारी, अब जिस ट्रेन चलना चाहिए, सब कुछ चलना चाहिए, आपको अगर वहाँ से कारोबार आ जाए तो पाकिस्तान में थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा। सर आपने कहा कि बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है इंडिया में, तो इंडिया तो हमें समझ में भी आता है कि वो नॉन मुस्लिम मुल्क है, एक अगर कहें तो सेकुलर कंट्री जिसे कहते हैं वो है। पाकिस्तान के अंदर मौजूदा सिनेरियो के अंदर गरीब को रोटी नहीं मिल रही खाने के लिए, अगर आप देखेंगे पुलिस और अवाम के दरमियान जंग चल रही है, अवाम और फौज के दरमियान भी जंग चल रही है, इसको आप कैसे देखते हैं, इसके बारे में आप बात कर सकते हैं? ये नहीं कर सकते, ये नहीं, क्यों नहीं कर सकते? इतना मेरा पास इतना टैलेंट नहीं है ना बातों करने का ना। ऐसी नहीं है, फौज बहुत अच्छी है, हमारे काबिल एहतराम है, बिल्कुल मेरा मुल्क है, मेरी फौज बहुत अच्छी है। अब मैं यहाँ पर बात ये करना चाह रहा हूँ, जब हमारे दरमियान की बात आती है, जब मुसलमान को मार रहा है, लड़ रहे, तो मैं इस बारे में बात क्यों नहीं करते? नहीं देखें, ये चीज़ें जो है ना आयन पे आती हैं। किसी पुलिस वाले से पूछ लो भाई कानून क्या है, वो कहता भाई ऐसी खुद कानून है। तो मेन चीज़ ये है कि मान लेते हैं हम कुछ गलत हैं लोग, इंशाल्लाह हो जाएगा। सर आपको पता है इंडिया की इकोनॉमी कहाँ चली गई है, वो तरक्की याफ्ता मुल्क में चले गए भाई। देखें उन्होंने अपनी आवाम को फैसिलिटी दी है, गुर्बत हमसे ज़्यादा है। सर फैसिलिटीज़ की बात, अगर गुर्बत हो हमसे ज़्यादा तो वो फैसिलिटीज़ कैसे दे सकते हैं भाई? देखें उन्होंने अपनी आवाम को रोटी कपड़ा तो दिया है ना। अभी मैं आपको छोटी सी मिसाल दूंगा, शहबाज शरीफ ने इंडिया जाने का फैसला क्यों लिया पता? पता नहीं, अब वो ही बता सकता है उसमें। मैं बताता हूँ ना आपको, मैं बताता हूँ ये बात। सर उनकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उन्होंने अपने आप को मनवा लिया, दुनिया की पांचवी बड़ी इकोनॉमी बन गई है, वो दुनिया की पांचवी बड़ी मईशियत है इंडिया।
तो अभी शहबाज शरीफ जाएंगे तो कोई ना कोई पैगाम लेके आएंगे ना सर, अगर बाहमी तल्लुकात अगर हम यहाँ से अच्छे पैगाम उनको देंगे तो हमारे तल्लुकात अच्छे हो जाएंगे, जिससे हमारा मुल्क तरक्की की तरफ चला जाएगा अगर हम उनसे लेन देन करेंगे तो। मैंने ना एक प्रोग्राम देखा था उनके बिजनेस इकॉनमी का, वो भी यही कह रहे थे कि जी अगर पाकिस्तान और भारत एक हो जाए तो वो BMW है, ये ऑडी है, तो ये तब तक नहीं हो सकता जब तक वहाँ के जो है ना ये खास तौर पे ये जो मोदी की पार्टी है ये ना हो कोई और पार्टी हो। सर मोदी ने कितनी दफ़ा कोशिश की है पाकिस्तान और इंडिया को जोड़ने के लिए, आप भूल गए शहबाज शरीफ जब नवाज शरीफ की शादी हो रही थी नवाज शरीफ की बेटी की तो डायरेक्ट पाकिस्तान आए थे, और उनके आने के बाद फिर क्या हुआ उधर? भाई ये बड़ों के मसले हैं, मेन चीज़ ये मेन मसला मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ मैं आप जो जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो मेन मसला ये है कि हमें हमारे दिमाग के अंदर जो नफरतें हैं इनको ख़त्म करके मोहब्बत देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? यार मुसलमान देता ही पैगाम अमन का है, लेकिन उधर हम क्यों नहीं दे रहे, आप क्यों नहीं दे रहे अमन का पैगाम? भाई हमें उन पर भरोसा ही नहीं है, मेन चीज़ तो ये है। सर किस बात पर भरोसा? कहते हैं ना वो खतरिया को बचो, ये खतरी हैं जितने भी हैं, इनसे जितना मर्जी कर लो इन्होंने हमें डसने से बाज नहीं आना। सर वहाँ पर अभी मैं आपको बता रहा हूँ तकरीबन 35 करोड़ के करीब मुसलमान रहते हैं। सर मानते हैं लेकिन मेन चीज़ है अथॉरिटी किसकी है, हिंदू की। अब फॉर एग्जांपल के मैं आपको मिसाल देता हूँ, आपने कहा कि एक बछड़े काटने पर वहाँ पर लाशें बिछा देते हैं, यहाँ पर आपके सामने कोई हिंदू हमारे नज़दीक सुअर का गोश्त जिसका नाम ही नहीं लेना चाहिए अगर कोई उसकी कुर्बानी करे तो आप उसे क्या कहेंगे? वो भी नहीं सकता पहली चीज़। मैं वही बात कर रहा हूँ, यहाँ पर नहीं देखा ना, उन्होंने भी नहीं देखा गाय, वो अपने अफजल मानते हैं, गाय के अलावा कुछ भी कुर्बान कर सकते हैं, वो उस चीज़ को कहते हैं कि भाई आप करो आपका मजहबी फेल है, गाय को वो अहमियत देते हैं। मैं आपसे सवाल ये पूछ रहा हूँ कि अगर हमारे सामने यहाँ पर कोई सुअर का गोश्त सुअर को काटे तो हम क्या करेंगे उसके साथ? भाई सुअर का तो यहाँ पर तस्वर ही नहीं है, पहली चीज़ ये है हम लोग क्या करते हैं गाँव में जाके देखें, हम भी जाते हैं बॉर्डरों पे ही हमारे इधर, मेरा सवाल के जवाब शिकार होता है बस, शिकार की बात है। मैं यहाँ पर आप जो सुअर का अगर आपके सामने काटे तो आप क्या कहेंगे उसका क्या करेंगे? उसको यही करेंगे ना मारने की, उसको पहले तो समझाएंगे प्यार से कि भाई ये ना करो हमारे लिए नापाक चीज़ है, ये आपके लिए जान के लिए भी खतरा, उसे समझाओगे ना? नहीं समझेगा तो आप उसे, ये चीज़ मान रहा हूँ लेकिन मेन चीज़ ये है कि उन्होंने अपने जो पब्लिक है ना उनके खोपड़ी में चीज़ बैठा दी है कि भाई ये ही है आपका दुश्मन। मतलब आप समझना ही नहीं चाह रहे, मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ सर नफरतें भूल जाएं, यहाँ से कोई प्यार का मैसेज दे दें, हमारे वज़ीर आज़म भी वहाँ पर जा रहे हैं ताकि आपके मैसेज से भी वहाँ आपके उनके दिलों में शायद हमारे लिए मोहब्बत उनके दिलों में मोहब्बत पैदा हो। सर नफरतें हमने 1947 से हम नफरतें करते आ रहे हैं, 75 साल हो रहे हैं, मैं मानता हूँ हमने भी 32-30 साल मेरी एज हो चुकी है, हमने सब कुछ देखा, लेकिन मेन चीज़ ये है कि भाई अब पब्लिक जो है उनकी पब्लिक भी चाहती है कि चलो यार जो बॉर्डर खुल जाए हम एक दूसरे से मिलते रहें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो हमें कुछ अच्छा करेंगे। सर हमने खुद अपने आप को अच्छा करना, उन्होंने नहीं करना भाई, कर लेंगे कब करेंगे मान लेंगे क्योंकि सर वो दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत बन गई, हम यहाँ पर इसी जंग में लगे हुए कल नवाज शरीफ आएगा आज इमरान खान आएगा हम तरक्की की तरफ जाएंगे, वो तो फिर एक देखे ना एक जा रहा है एक आ रहा है, जब वोट कास्टिंग होंगे किसी ने तो पार्टी ने जीतना ही है ना। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। SCU की समिट होने जा रही है इंडिया जिसको होस्ट कर रहा है, इंडिया जा रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, क्या लगता है कि आपको उनके जाने से हमारे जो रिलेशन है बेटर हो जाएंगे? जो मौजूदा हालात में है, जो लास्ट टाइम एक मोदी साहब की एक जो है ना उनके जो प्राइम मिनिस्टर इंडिया उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी, उन्होंने ये बोला था मुझे कोई मसला नहीं है पाकिस्तान बेशक मतलब पाकिस्तान के आगे इतने क्राइसिस चल रहे हैं तो मैं पाकिस्तान की कोई बात नहीं करना चाहता, तो मैं अपने मुल्क की वजह से पाकिस्तान जो अपना मुल्क उनको मसला नहीं देना चाह रहा, अगर मुझे अगर मतलब मैं अगर बात करूं पाकिस्तान की मकसद कहने का उन्हें मैं बात नहीं करूंगा अपने आप को मैं पाकिस्तानी मैं कोई ऐसी गलत बात नहीं कर, मेरे मुंह में गलत बात आने लगी थी, उन्हें मतलब एक तोहीन की थी पाकिस्तान की कि मैं पाकिस्तान की बात नहीं करना चाह रहा क्योंकि पाकिस्तान के जो हालात जो चले पाकिस्तान खुद ही तबाह हो जाएगा। उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान के जो क्राइसिस पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान करके हमने अपनी इकोनॉमी की तरफ ध्यान नहीं दिया जिसकी वजह से बड़े नुकसान हुए, अभी हम सिर्फ अपने आप पर ध्यान देंगे पाकिस्तान अपनी मौत खुद मरेगा। हाँ यही तो वही तबाह होने वाला वही एक ही चीज़ होगी ना, आपने तो दूसरी तफसील में बता दी मुझे थोड़ा बहुत पता था। अच्छा मकसद कहने का अगर आप अगर शहबाज शरीफ जाते भी हैं ना वहाँ पे मतलब इंडिया तो कोई फ़ायदा नहीं होना क्यों
कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे बताएं कैसे फ़ायदा होगा, क्या लेने जाएंगे आगे? तो आपको जो प्राइम मिनिस्टर के मोदी है वो तो आपको पसंद ही नहीं करते, ये इनको जो है शुभाशिव को अगर पसंद करते हैं, जो पाकिस्तान के ट्रेडिंग जब आए हैं तभी ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाती है इंडिया के साथ। हाँ, अगर ये है कि अगर उनके साथ अच्छे ताल्लुकात होते हैं तो पाकिस्तान को एक बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तान की इंडिया के साथ अगर ट्रेडिंग होती है तो पाकिस्तान भी जो है ना आने वाले वक्तों में उनके साथ स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, मतलब उनके बराबर ही हो जाएगा ये आने वाले वक्त में। उनके बराबर किस तरह से होगा भाई, वो दुनिया की पांचवी बड़ी मईशत है। अगर हम तो कहा हमारी बात करेंगे, बराबरी की बात कर रहे हैं हम, हमारे 200 कंट्री 202 मुल्कों के अंदर भी भाई हमारे पहला नंबर होगा नीचे से। वो नीचे से वही कह रहे हैं, वही नंबर हो जाएगा हमारा भी, वही डूबा हुआ है वो, उसके बराबर तो नहीं कहा, मेरे मुँह से गलती हो गई, बराबर निकला है वो, उनसे नीचे से हमारा नंबर हो जाएगा। एक चीज़ है जो कि शहबाज शरीफ साहब ने पहले भी बड़ी कोशिशें की हैं, पहले नरेंद्र मोदी साहब डायरेक्ट आए और उन्होंने कहा कि भाई आपने ये जौन सा पठानकोट करवा दिया, और भी काफ़ी दफ़ा इंडिया ने ट्राई की है हमारे साथ रिलेशन बेटर करने के लिए, क्या समझते हो आपके हमने ज़्यादा ट्राई की है इंडिया से रिलेशन बेटर करने की या उन्होंने ज़्यादा की? नहीं, वो जो नज़र आता है वो इंडिया ने इस जो है ना हमें काफ़ी जो है ना उन्होंने एक दो तीन दफ़ा हमारे फॉरेन मिनिस्टर को कहा, प्राइम मिनिस्टर को, जब इमरान खान की हुकूमत तभी भी उन्होंने ये बोला था। तो मकसद कहने का कि हमारे यहाँ से आकर ही नहीं मान, क्योंकि हम दोनों तकब्बर के अंदर, अगर वो जो वो कौम है वो ऐसे तकब्बर तो गोबर में नहीं होती, क्योंकि वो कहती हैं मोदी साहब का जो एक वीएन है वो कह रहे हैं कि जितनी भी एशिया कंट्रीज़ है मैं सबको साथ अपने रिलेशन अच्छे रखूँ। वो श्रीलंका हो, अभी आप बताओ श्रीलंका डिफ़ॉल्ट मुल्क था, श्रीलंका को निकाला, बांग्लादेश को उन्होंने सपोर्ट किया, अफगानिस्तान को उन्होंने सपोर्ट किया, इस टाइम तीनों मुल्कों ने सपोर्ट किया, अभी भी वो अब सुनने में यह है कि यूएस को आगे सपोर्ट करने जा रहे हैं 4G 5G एक्सपोर्ट करने जा, जो मुझे आज जो न्यूज़ पता चली है वो, इतनी टेक्नोलॉजी में बढ़ गई है। आगे यही है, अगर हम पाकिस्तान की बात करें जी, हम वो मिसाइल लेके बैठे हैं जी, हम सुपर पावर हैं, भाई सुपर पावर वो बनेगी अब आने वाले वक्त में जिनको टेक्नोलॉजी में स्ट्रॉन्ग होगी, और जो दुनिया की टेक्नोलॉजी में स्ट्रॉन्ग हो, दूसरा जिसकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होगी वो दुनिया में पहले नंबर पर आएगा। पाकिस्तान का तो भी रैंक भी नहीं, अगर अब मोदी इमरान ये जाते हैं, शहबाज शरीफ साहब जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि रिलेशन बेहतर होंगे, क्योंकि हमारे तो आपको पता है प्राइम मिनिस्टर के तकबर इतने ज़्यादा उनको, इसलिए वो मुश्किल है। शहबाज शरीफ साहब जाएँ, दुआ करें आप दूसरे नंबर पर, क्या लगता है आपको कि इंडिया वेलकम करेगा शहबाज शरीफ?